नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श विद्या निकेतन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम तीसरा चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है अपना, यदि 2x प्लस वाई, दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, दो मैट्रिक्स, इसमें है ना आपको x, y, a और b का अननोन है, इन सब की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स दे रखी है, पहले ये देख लेंगे दोनों का ऑर्डर बराबर है या नहीं। अगर दोनों के ऑर्डर बराबर हैं तो आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के पहले रो और पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसी प्रकार 3 तरीके इक्वल एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन एक दे देंगे, इसको इक्वेशन दो दे देंगे। इसी प्रकार अपने आता है ए माइनस बी इक्वल टू 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, 2a प्लस बी इक्वल टू नेगेटिव 1, ठीक है। 2a प्लस बी इक्वल टू नेगेटिव 1, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। अब इन 1, 2, 3, 4 इक्वेशन को सोल्व करके आप वहाँ निकालेंगे, पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में एक और दो को क्या कर देता हूँ, एक और एक को मैंने क्या किया, दो से मल्टीप्लाई किया, एक को दो से मल्टीप्लाई किया, प्लस किसके साथ कर दिया, दो के साथ, ठीक है। एक को दो से मल्टीप्लाई करके आप दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो एक को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का हो जाएगा, आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4, इन दोनों को क्या करना, ऐड करना था, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके 10/5 इक्वल टू 2, 2 वैल्यू आ जाएगी 2, इन दोनों में से किसी एक में रख के आप क्या कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख के आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, मैं इस 2y को उधर ले जाता हूँ, इसको 4 को इधर लेके आ जाता हूँ, नेगेटिव 2 इक्वल टू 2y और y इक्वल टू आ गए आपके नेगेटिव 1। इसी प्रकार इक्वेशन 3 और 4 दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 दोनों को ऐड किया आपको मिला a माइनस बी इक्वल टू 4, 2a प्लस बी इक्वल टू नेगेटिव 1, इन दोनों को जैसे ऐड किया b से b कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इक्वल टू 1 की वैल्यू 3 या 4 में किसी एक में रखे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने a 3 में रखा, इक्वेशन 3 में a की वैल्यू 1 रखा, 1 माइनस बी इक्वल टू 4, बी को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे, नेगेटिव 4, 1 इक्वल टू बी, बी की वैल्यू आपके आ जाएगी नेगेटिव 3। इस प्रकार आपको दो अगर मैट्रिक्स दे रखी हो, इसमें अननोन नंबर दे रखे हैं, किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है तो उनमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, आप कंपेयर करके और इक्वेशन को सोल्व करके आप अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए मैट्रिक्स दे रखी है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इसके एलिमेंट है, तो आपको निकालना है ए ए ट्रांसपोज का गुणन निकालना है, ए ए ट्रांसपोज का क्या गुणन करना है, गुणन निकालना है। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे आप पहले, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है, रो और कॉलम को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज कोस थीटा, ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ये साइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा और कोस थीटा, आपके क्या मिल गए हैं, कोस ए ट्रांसपोज मिल गया, ए ही है और ए ट्रांसपोज आपको ये मिल गया, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों को, ए ए ट्रांसपोज, ध्यान रखना ए पहले आ रहा है, ए ट्रांसपोज बाद में आ रहा है, इनके मैट्रिक्स में इसका क्रम गुणन में क्रम क्या है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखें। ए को जैसे जैसे पूछ रहा है आपको, ए पहले पूछ रहे हैं और ए ट्रांसपोज बाद में दे रखा है, तो आप इसमें ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज जिस क्रम में दे रखा है उसी क्रम में रखें, ऐसा नहीं है कि ए ट्रांसपोज पहले रख दें और ए बाद में रख दें, ठीक है। जैसे आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा नेगेटिव पॉजिटिव साइन थीटा कोस थीटा, अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। आपने दोनों की वैल्यू रख दी ए और ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, रो को किससे करवाएंगे, कॉलम से, रो को कॉलम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है।
इस मैट्रिक्स का क्रम 2x2 है, इसी का भी क्रम है 2x2, आपके वापस जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी क्रम क्या होगा 2x2, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। को सेटअप, इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से, जैसे कोस थीटा को कोस थीटा से करवाएंगे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से करवाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले रो का पहले कॉलम से करवा दिया, अब पहले रो का दूसरे कॉलम से करवाएंगे आप, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा इस कोस थीटा से हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। पहली रो से आपने दोनों कॉलम को करवा दिया, अब दूसरी रो का पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से करवाएंगे, साइन नेगेटिव थीटा का कोस थीटा से माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा इस कोस थीटा से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपको पता है ये क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, और ये 1, ये देखो साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी 2x2 की क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी I2, ये आपको निकालना था, ए ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दे रखा है ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है एक मैट्रिक्स, और ए माइनस बी की आपको एक क्या दे रखी है, एक और मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए का मान याद करना, मैट्रिक्स ए का मान याद करने के लिए इसको ए प्लस बी, इसको मैंने एक दे दिया, या नाम नहीं दो तो भी चले, इसको एक दे दिया, इसको दो दे दिया, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे सामान्य ऐड होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इनको ऐड करके जैसे अननोन की वैल्यू निकालते हैं, उसी प्रकार इसको भी मैट्रिक्स का भी एडिशन कर लेंगे। इतना ही ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑर्डर समान होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स जो दे रखी है, अगर ऑर्डर समान नहीं होगा तो आपको ऐड आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहला और दूसरे को मैं क्या कर देता हूँ ऐड, ए प्लस बी, यानी इक्वेशन ए को इक्वेशन दो से यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये आता है -7, 0, 2, -5, 3, -2, 0 और 3, ठीक है। यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a, यहाँ मिलेगी मैट्रिक्स आपको 7 माइनस 7 के ये 3 हो जाएगा -4, 0 माइनस 2, 2 0 से जुड़ेंगे 2, -5 और 3 -2, ध्यान रखना -7 को इस तरीके से ऐड करेंगे या जो भी है घटाएंगे, 0 को इस -2 के साथ ऐड करेंगे, 2 को इस 0 के साथ और -5 को 3 के साथ, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 2a इक्वल टू आ गया, अब a निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 by 2, 2 by 2, 2 by 2, -2 by 2, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल टू -2, 1, -1 और -1। इस प्रकार आपने क्या निकालना, -2, -1, 1 और -1, इस प्रकार आपने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, एक साधारण इक्वेशन की तरह वैल्यू दे रखी है, आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसे ध्यान रखना 2a के बाद में a निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट को आप क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ेंगे, ऐसे नहीं -7 को -2 के साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ना है, ठीक है। अगर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है a 0 -10x/2, 10x/2 और 0, इसमें सिद्ध करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो आई प्लस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा बहुत ट्रीट करेंगे, इसके बाद थोड़ा राइट हैंड साइड को भी ट्रीट करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे, तो आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पहले आई का मीनिंग होता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके दूसरी जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके हिसाब से आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे,
यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो आई आपके क्या ले लेंगे 2x2 को। वैसे यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 1001, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको ऐड करना है आई प्लस ए से, ठीक है 1001, ठीक है इसको ऐड करना है ए के साथ, ठीक है ए के साथ। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0 माइनस 10x बाई 2 0, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे आप, यहाँ पे 0 को 1 से जोड़ेंगे, 1 आएगा 0 को माइनस 10x बाई 2 0 10x बाई 2, और 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन एक देके छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपकी आई प्लस ए की वैल्यू आ गई, आई प्लस ए की वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ चुकी। इसी प्रकार आप लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेने से पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आई माइनस ए की क्या निकालेंगे वैल्यू, आई वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ इकाई मैट्रिक्स 1001 नेगेटिव, ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0 माइनस 10x बाई 2 और 0। आप 1 को 0 में से घटाएंगे 1 मिलेगा, 0 माइनस 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10x बाई 2, 0 माइनस माइनस 10x बाई 2, 1 को 0 से घटाएंगे 1 मिलेगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, आई माइनस ए की वैल्यू आई आपके। अब आई माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स ऑफ कोस एक्स से क्या करवाएंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना मल्टीप्लाई करवाते वक्त, थोड़ा सा चूक है तो क्वेश्चन का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे आई माइनस ए, आई माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आई माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। आई माइनस ए की वैल्यू आप रख देंगे, आई माइनस ए की वैल्यू आप क्या मिलेगी आपको 1 10x बाई 2, ठीक है माइनस 10x बाई 2 और 1, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। पहले रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से दूसरी मैट्रिक्स के, ठीक है। उसके बाद पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं, ठीक है। 1 को किससे किया कोस एक्स से, कोस एक्स मिलेगा 10x को प्लस 10x बाई 2 साइन एक्स, 1 को मल्टीप्लाई करवाना माइनस साइन एक्स से तो मिलेगा आपको माइनस साइन एक्स, 10x बाई 2 को कोस एक्स से प्लस कोस एक्स 10x बाई 2 मिला, ठीक है। इसी प्रकार पहली रो का अपने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब अपन क्या करेंगे दूसरी रो को पहले और सेकेंड कॉलम से क्या करवा दें आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 10x बाई 2 को कोस एक्स से, कोस एक्स नेगेटिव 10x बाई 2, कि 1 इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन एक्स से तो साइन एक्स आ जाएगा, माइनस 10x बाई 2 को माइनस साइन एक्स से कराएंगे तो 10 साइन एक्स 10x बाई 2, 1 कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा कोस एक्स, ठीक है आपको मिल जाएगा कोस एक्स। अब इसको क्या करेंगे 10x बाई 2 को क्या करेंगे साइन अपॉन कोस में चेंज करके सोल्व करते हैं अपन, यहाँ पे मिलेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स, ठीक है। आगे मिल जाएगा आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2, ठीक है माइनस कोस एक्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कोस एक्स को सभी में कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 क्या ले रहे हैं अपन एलसीएम लेंगे सभी में और मल्टीप्लाई करवा देंगे कोस एक्स कोस एक्स बाई 2 प्लस
साइन एक्स साइन एक्स बाई टू या नीचे ले जाएगा कोस एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे आप कोस एक्स बाई टू। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देंगे कोस एक्स साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स कोस एक्स बाई टू। ठीक है, से लिख दिया, या इसको अगर साइन एक्स बाई टू को पहले लिख के साइन एक्स बाई टू कोस एक्स, साइन एक्स बाई टू कोस साइन एक्स कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स साइन एक्स बाई टू, ये नेगेटिव बार रहने दिया। ठीक है, इसके बाद माइनस कोस एक्स साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स कोस एक्स बाई टू। यहाँ पे भी कोस एक्स बाई टू साइन एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स कोस एक्स बाई टू। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला और कोस ए माइनस कोस बी वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, कोस एक्स प्लस कोस कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, यहाँ हो जाएगा कोस एक्स माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अपॉन कोस एक्स बाई टू। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखेंगे माइनस साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू साइन एक्स कोस एक्स बाई टू। ठीक है, इसको अगर ढंग से देखा जाए, यहाँ अगर नेगेटिव में कॉमन ले लेता हूँ नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, और अपन में आ जाएगा कोस एक्स बाई टू। इसी प्रकार इधर देखेंगे अपन, इसको पहले लिख देंगे साइन एक्स कोस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। इधर ये बन रहा कोस एक्स बाई टू को पहले लिखा साइन एक्स बाई टू को बाद लिखा, तो इसका मतलब हो जाएगा कोस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस एक्स माइनस एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई कोस एक्स बाई टू। ठीक है, अब जगह की कमी है, इसी कारण अपन आगे थोड़ा हटा के इसको यहाँ लिख देते हैं कोस एक्स बाई टू कोस एक्स एक्स माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, या नेगेटिव साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू नेगेटिव साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, या आपको मिल जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू यानी साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, और उधर मिल जाएगा कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू गया वन मिल जाएगा, या मिल जाएगा टेन एक्स बाई टू, या मिल जाएगा टेन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल वन मिल जाएगा। और इसको ढंग से देखेंगे आपकी ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को क्या किया आपने सोल्व किया, इसके लिए ध्यान रखना होगा आई प्लस ए लेके आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके रखेंगे, देन आप आई माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, उसको क्या करेंगे राइट हैंड साइड से जो दे रखी है उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको ध्यान रखना यहाँ कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसके बाद तो क्या है आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन है ना पाँचों क्वेश्चन देखेंगे, एप ऑफ एक्स की एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको सिद्ध करना है एप ऑफ एप ऑफ बी इक्वल टू एप ए प्लस बी की वैल्यू ये इसके बराबर है। इसके लिए आप क्या करेंगे पहले एप ऑफ एक्स के फॉर्म में आपको दे रखी है मैट्रिक्स, तो एप ऑफ ए निकालेंगे एप ऑफ बी निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, इसके लिए आप पहले क्या करेंगे एप ऑफ एक्स दे रखा है तो एप ऑफ ए निकाल लो आप, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रिप्लेस करवा देंगे आप ए, तो ये हो जाएगा कोस ए नेगेटिव साइन ए जीरो साइन एक्स साइन ए हो जाएगा ये जीरो ये कोस ए ये जीरो ये जीरो ये वन,
इसी प्रकार आप क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको एक्स दे रखा है वहाँ बी कर देंगे, कोस बी साइन बी, जीरो जीरो कोस बी माइनस साइन बी, जीरो जीरो वन। एक वैल्यू आप एफ ऑफ ए प्लस बी की भी निकाल के रख लेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस बी से आप क्या करवा देंगे, रिप्लेस, कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, जीरो साइन ए प्लस बी, जीरो कोस ए प्लस बी, जीरो जीरो वन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एफ ओ ए को एफ ओ बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एफ ओ ए इंटू एफ ओ बी, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करा देंगे आप, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो रिजल्ट मिलेगा आपको इसके इक्वल है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है, एफ ओ ए एफ ओ बी। तो यहाँ देखेंगे कोस ए माइनस साइन ए, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो साइन ए कोस ए, ठीक है। इसी प्रकार कोस बी माइनस साइन बी, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो साइन बी कोस बी, ठीक है। एफ ओ ए को एफ ओ बी से क्या करवाएंगे आप, गुणा करवाएंगे। वही सेम गुणा करवाने का मेथड, इसके रो को इसके पहले कॉलम से, देन इसकी रो को सारी पहले मैट्रिक्स के सारे रो को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से, और इसी प्रकार आप प्रोसेस चलाते रहेंगे, ठीक है। कोस ए कोस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। जीरो को जीरो से करवा देंगे यहाँ ऐड करने के, प्लस एक बार लिख देता हूँ जीरो इंटू जीरो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कोस ए माइनस साइन बी, कोस ए माइनस साइन बी, ठीक है, माइनस साइन ए कोस बी, ठीक है, प्लस जीरो इंटू जीरो, ठीक है। इसी प्रकार कोस ए जीरो से हो जाएगा जीरो, प्लस माइनस साइन ए जीरो से जीरो, और ये भी जीरो से, जीरो इंटू वन जीरो, ठीक है। पहली रो से सारे कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, आप दूसरी रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन ए को कोस बी से, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस जीरो इंटू जीरो। सेकेंड रो से, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से साइन ए साइन बी, ये आपके नेगेटिव आ जाएगा, कोस ए कोस बी, ठीक है, प्लस जीरो इंटू जीरो। साइन ए को जीरो से मल्टीप्लाई करवाया जीरो, कोस ए को जीरो से मल्टीप्लाई करवाया जीरो, वन को वन, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करवाया आपके आ जाएगा जीरो। अब इस थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जीरो से जीरो को, जीरो को जीरो से, वन को जीरो से करवाएंगे आप, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो मिलेगा। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जीरो को कोस, जीरो को माइनस साइन बी से जीरो, जीरो को कोस बी से जीरो, वन को जीरो से जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो मिलेगा। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कराया जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत ढंग से लिख लेंगे अपन, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, जीरो को ऐड करने की, माइनस कोस ए, यहाँ पे मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पे कोस ए कोस बी को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस साइन ए साइन बी को मैंने बाद में लिख दिया। यहाँ पे जीरो 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 मतलब जीरो, यहाँ पे भी आपके जीरो मिलेगा, यहाँ पे भी आपके जीरो मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यहाँ नेगेटिव आए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आए तो यहाँ नेगेटिव आएगा, उल्टा चलता है कोस वाले में, ठीक है। माइनस ये किसका है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया आपके जीरो। इसी प्रकार साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का क्या आपके फॉर्मूला है, ठीक है। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपको मिल जाएगा कोस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो वहाँ नेगेटिव जीरो। ये तो जीरो है ही, ये जीरो ये वन। अब ढंग से देखेंगे तो आपको ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको एफ ऑफ ए प्लस बी, ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किसके बराबर मिल रहा है आपको, एफ ऑफ ए प्लस बी के बराबर मिल रहा है, यानी कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी जीरो, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी जीरो 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 वन। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो इसको सबसे पहले आप एफ ऑफ ए से रिप्लेस करवाएंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रख देंगे ए। इसी प्रकार एफ ऑफ बी निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे बी रख देंगे, और एफ ऑफ ए प्लस बी निकाल के रख लेते हैं अपन राइट हैंड साइड, यहाँ काम आ जाएगी। एफ ऑफ ए प्लस बी निकाल लिया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए प्लस बी रख दिया, ठीक है। इसको हो गया क्या, इसके बाद एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, और ये आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गए, ठीक है। इसी प्रकार अपने 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं तीसरे चैप्टर के, ठीक है।